एमएस वर्ड एप्लीकेशन के अंदर इस टाइप का डबल लाइन बॉर्डर कैसे इंसर्ट करोगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके सीवी हो या आपका रिपोर्ट हो, आपके सीवी या आपके रिपोर्ट के अंदर अगर आप डबल लाइन बॉर्डर इंसर्ट कर देते हो, जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, इस टाइप का बॉर्डर अगर आप डाल देते हो तो आपका सीवी का लुक या आपका रिपोर्ट का लुक चेंज हो जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा दिखने लगेगा। क्लियर ना? तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके मोबाइल की स्क्रीन में एमएस वर्ड एप्लीकेशन के अंदर डबल लाइन बॉर्डर इंसर्ट करोगे, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताने वाला हूँ। मतलब अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से आपके वर्ड फाइल के अंदर डबल लाइन बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके एमएस वर्ड एप्लीकेशन के अंदर डबल लाइन बॉर्डर कहाँ से इंसर्ट करना है, आपने बहुत सारी जगह पर ढूंढ लिया लेकिन आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मोबाइल के स्क्रीन में लाइव प्रूफ आपको आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर इंसर्ट करके दिखाऊंगा। मतलब कैसे करना है, मैं फुल प्रोसेस आपको मोबाइल के स्क्रीन में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन में लेके चलता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पर आपको ये वाला एमएस वर्ड एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, तो इस वर्ड एप्लीकेशन को सबसे पहले आप डाउनलोड करके रखना। उसके बाद इसको ओपन करोगे तो आप जब पूरा सेटअप कंप्लीट कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। क्लियर? तो सबसे पहले आपका सेटअप का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपको करना क्या होगा, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ए वाला लिंक मिल जाएगा, मैं ए वाला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखूँगा। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लियर? आप जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, देखो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ चुका है। तो आपको यहाँ पर ड्राइव वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा। क्लियर? तो मैं ड्राइव वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो मेरे सामने ये वाला वर्ड का सेक्शन निकल के आ चुका है। आपके सामने भी कुछ इस टाइप का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर वर्ड वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे क्लिक कर दिया, उसके बाद देखो मेरा पेजेस लोडिंग ले रहा है एंड ऑटोमेटिकली मेरे सामने यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पर गोटेड वाला सेक्शन पे क्लिक करूँगा एंड देखो यहाँ पर मेरा ये थोड़ा सा डार्क मोड में हो चुका है, इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ। देखो क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर डबल लाइन बॉर्डर वाला पेज निकल के आ चुका है। क्लियर ना? मतलब ये जो डबल लाइन बॉर्डर वाला पेज है, अब मैं आप लोग एक चीज़ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ। पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ए वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर होम वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद इंसर्ट वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ब्लैंक पेज देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर 2-3-4 पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। देखो जितने इंसर्ट कर लिया, उसके बाद मैं बैक बटन में आ रहा हूँ। देखो बैक बटन में आ गया, तो जितना ब्लैंक पेज मैंने इंसर्ट कर लिया, सारे पेज डबल लाइन बॉर्डर वाला हो चुका है। क्लियर? मतलब ये वाला डबल लाइन का जो वर्ड फाइल है, अगर इसको आपके एमएस वर्ड के अंदर मतलब डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद जैसे ही ब्लैंक पेज इंसर्ट करोगे, सारे आपका इसी टाइप का डबल लाइन वाला बॉर्डर पेज आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑप्शंस कहाँ पर है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे जगह पर ढूंढा था ऑप्शंस, लेकिन ऑप्शंस देखने को नहीं मिला था। ओके, इसीलिए मैंने लैपटॉप से ये डबल लाइन बॉर्डर वाला पेज क्रिएट किया हूँ एंड उस पेज को मेरे मोबाइल फोन में लेके लिंक के थ्रू आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लियर? आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल में पता लग चुका है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे कुछ भी चीज़ें टाइप करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली टाइपिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब जस्ट आपका ये डबल लाइन बॉर्डर वाला पेज आ चुका है। तो इसी प्रोसेस को अपना के आपको भी डबल लाइन बॉर्डर वाला पेज इंसर्ट करना है। सो फ्रेंड्स, यही था प्रोसेस डबल लाइन बॉर्डर इंसर्ट करने का। नॉर्मली मेरे एमएस वर्ड एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे जगह पे ढूंढ लिया लेकिन कहीं पर भी ये डबल लाइन बॉर्डर इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिला था। इसीलिए मैंने लैपटॉप से मतलब लैपटॉप के थ्रू डबल लाइन बॉर्डर इंसर्ट किया था, उसके बाद वो वर्ड फाइल मैंने मोबाइल के स्क्रीन में ले लिया था। ओके, और लिंक के थ्रू आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मदद मिल जाए। ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद हेल्प मिली है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले अनकमल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।